नमस्कार साथियों, कार्की ऑनलाइन क्लासेस से मैं हूं आपके साथ ज्ञानु सर। और आज हम लोग अध्ययन करेंगे आरबीएससी 12th बोर्ड से एक पोएम जिसका नाम है द स्नेर। लेकिन पोएम शुरू करने से पहले मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक एक करके मैं 10th और 12th बोर्ड की पोएम्स आपके सामने वीडियो बना बना कर लेकर आता हूं। आप लोगों का अध्ययन अच्छा चलता रहे, मेरा यही प्रयास है। लॉकडाउन के इस माहौल में किताबों से हम दूर हो गए हैं, लेकिन ये वीडियो के माध्यम से आपका और हमारा जो संपर्क बना हुआ है, यही हम लोगों की शक्ति है। और इस शक्ति को आप दुगना कर सकते हैं अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। चलिए शुरू करते हैं द स्नेर। द स्नेर पोएम को लिखा है जेम्स स्टेफंस ने। जेम्स स्टेफंस एक आयरिश यानी आयरलैंड के कवि, लेखक यानी पोइट और राइटर थे। इनका जन्म डबलिन में, एक शहर है वहाँ डबलिन की कच्ची बस्ती में हुआ था। शुरुआती दिनों में इन्होंने स्टेनोग्राफर का काम किया था। बावजूद इसके जो लेखन की प्रतिभा इनके अंदर थी वो उभर कर सामने आई, और बेहद गरीबी में जीवन जीने के बाद भी स्टेफंस लेखन की दुनिया में एक मशहूर नाम बन गए। चलिए शुरू करते हैं उनकी लिखी हुई ये पोएम द स्नेर। बेहद आसान शब्दों में लिखा गया, लिखी गई ये कविता हमें एक संदेश देती है। पहले ये समझें कि इस कविता के चार स्टेंजाज हैं, चार स्टेंजाज हैं, और इसकी एक ख़ास बात है कि ये इयाम्बिक पैरामीटर में लिखी गई है। इयाम्बिक पैरामीटर में लिखी गई है। इयाम्बिक पैरामीटर का जो मतलब है वो ये है, चतुष्पदी यानी चार पदों की ये कविता होती है, और चतुष्पदी में जो आखिरी लाइन होती है वो यानी पहले स्टेंजा की जो आखिरी लाइन है वो दूसरे स्टेंजा की पहली लाइन बनेगी, और फिर जो दूसरे स्टेंजा की आखिरी लाइन है वो तीसरे स्टेंजा की पहली लाइन बनेगी, और जो तीसरे स्टेंजा की आखिरी लाइन है वो चौथे स्टेंजा की पहली लाइन बनेगी। समझ रहे हैं दोस्तों, बहुत ही आसान शब्दों में लिखी गई ये कविता। इस कविता में जो भाव है लेखक का वो ये है कि वो बहुत ही विनम्र हृदय का, दयालु हृदय का व्यक्ति है, और एक बार यात्रा करते हुए वो किसी जानवर की, जो खरगोश है, की चीख सुनता है। वो जानवर, वो खरगोश मदद के लिए पुकार रहा है, लेकिन कवि उसे तलाश करने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन उसे तलाश नहीं कर पाता। वो चाहता है कि उस खरगोश की मदद करे, लेकिन वो कर नहीं पाता। इन्हीं दर्द भरे भावों के साथ ये कविता शुरू होती है और दर्द के साथ ही समाप्त हो जाती है, लेकिन हम जोश और खुशी के साथ इस कविता का आरंभ और अंत करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। स्टेंजा नंबर वन, आई हियर अ सडन क्राई ऑफ पेन, देयर इज अ रैबिट इन अ स्नेर, नाउ आई हियर द क्राई अगेन बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। आई हियर अ सडन क्राई ऑफ पेन, लेखक कवि पोइट कहता है कि मैं सुनता हूं अ सडन, अचानक से, अ क्राई एक चीख, पेन दर्द की, मैं अचानक दर्द की एक चीख सुनता हूं। देयर इज अ रैबिट इन अ स्नेर, एक खरगोश, रैबिट मींस खरगोश, इन अ स्नेर, स्नेर मींस जाल, फंदा। अचानक मैं दर्द की एक चीख सुनता हूं और मुझे लगता है कि एक जाल में एक खरगोश है,
Now I hear the cry again. अब I hear, मैं सुनता हूँ the cry, वो चीख again, the का प्रयोग हो गया क्राई, वो शब्द दोबारा आया तो द लग गया, यानी जब एक शब्द की पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन होता है तो द आता है। अब मैं वो चीख अगेन दोबारा से सुनता हूं, यानी वो चीख मैं दोबारा सुन रहा हूं दर्द की, बट लेकिन आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन आई कैन नॉट टेल, लेकिन मैं बता नहीं सकता कि वो दर्द की वो चीख वो आवाज फ्रॉम वेयर कहां से आ रही है, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि वो आवाज कहां से आ रही है। दोबारा देख लेते हैं, कवि कहता है कि मैं अचानक से दर्द की एक चीख सुनता हूं, वहां एक खरगोश एक जाल में, यानी खरगोश एक जाल में है, मैं अचानक से दर्द की एक चीख सुनता हूं और एक जाल में एक खरगोश है, मैं दोबारा से वो चीख सुनता हूं लेकिन मैं बता नहीं सकता कि वो चीख कहां से आ रही है, लेकिन मैं बता नहीं सकता कि वो चीख कहां से आ रही है, यानी कवि को पता नहीं चल पा रहा है, सुन तो पा रहा है पर वो देख नहीं पा रहा है कि आखिर वो आवाज चीख की मदद के लिए वो आवाज कहां से आ रही है। आइए अब हम दूसरा स्टेंजा देख लें। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर ही इज calling out for aid, crying on the frightened air, making everything afraid. एक नई चीज जो आप देख पा रहे हैं वो ये है कि पहले स्टेंजा की जो आखिरी लाइन थी वो यहाँ दूसरे स्टेंजा की पहली लाइन है। इसे चतुष्पदी कहते हैं, चार पदों की कविता होती है जिसकी आखिरी लाइन अगले स्टेंजा की पहली लाइन बने, इसे इयाम्बिक टेरामीटर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मैं बता नहीं सकता कि वो आवाज कहां से आ रही है। एक खरगोश एक जाल में है और मुझे वो दर्द से पुकारता हुआ सुनाई दे रहा है, लेकिन मैं बता नहीं सकता कि वो आवाज कहां से आ रही है। ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड, कॉलिंग आउट, कॉल आउट का मतलब होता है पुकारना बुलाना, फॉर एड, एड का मतलब होता है मदद सहायता, वह मदद के लिए पुकार रहा है बुला रहा है। क्राइंग ऑन, चीख चीख कर, द फ्राइटन्ड एयर, फ्राइटन्ड एयर का मतलब है हवा नहीं दोस्तों, वातावरण, यहां वातावरण इसका मतलब है, और चीख चीख कर उसने वातावरण को भयभीत बना दिया है, फ्राइटन्ड भयभीत, यानी दर्द के दर्द से वो चीख रहा है, मदद के लिए पुकार रहा है और चीख चीख कर क्राइंग ऑन उसने वातावरण को और ज्यादा भयभीत बना दिया है। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, हर एक चीज को, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, हर एक चीज को भयभीत, अफ्रेड मीन्स भी भयभीत, पुकारते हुए पुकार पुकार कर इस फ्राइटन्ड एयर भयभीत वातावरण को उसने, हर भयभीत वातावरण में उसने हर एक चीज को भयभीत बना दिया है, या वह हर एक चीज को इस भयभीत वातावरण में हर एक चीज को और ज्यादा भयभीत बनाते हुए पुकार रहा है, पुकारना जारी रख रहा है, पुकार रहा है। समझ गए दोस्तों, यानी दूसरे स्टेंजा में कह रहा है कि मैं बता नहीं सकता कि अब आवाज कहां से आ रही है, लेकिन वह मुझे खरगोश मुझे मदद के लिए पुकार रहा है, या किसी को मदद के लिए पुकार रहा है, और उसने चीख चीख कर इस भयभीत वातावरण को और ज्यादा भयभीत बना दिया है। तीसरा स्टेंजा देखिएगा क्या कहता है। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस एज ही क्राइज अगेन फॉर एड, एंड आई कैन नॉट फाइंड द फ्लैश। क्या कहा जा रहा है, वही दूसरे स्टेंजा की आखिरी लाइन, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, हर एक चीज को भयभीत बनाते हुए, यानी चिल्ला चिल्ला कर मदद के लिए पुकार पुकार कर उसने हर एक चीज को, पूरे वातावरण को उसने भयभीत बना दिया है, और हर एक चीज को भयभीत बनाते हुए रिंकलिंग अप, रिंकल का मतलब होता है सिकोड़ना, रिंकल का मतलब होता है दोस्तों सिकोड़ना, रिंकलिंग अप इज लिटिल फेस, उसके लिटिल फेस, उसके छोटे से चेहरे को उसने सिकोड़ लिया है, यानी हर एक चीज को भयभीत बनाते हुए उसने उसके छोटे से, खरगोश का कितना सा चेहरा है,
सिकोड़ लिया है। समझ गए दोस्तों? एज ही क्राइज, जैसे ही हर एक चीज को भयभीत बनाते हुए उसके छोटे से चेहरे को सिकोड़ते हुए या सिकोड़ लेता है, जैसे ही क्राइज, वो चिल्लाता है, रोता है अगेन दोबारा फॉर एड, मदद के लिए। जैसे ही मदद के लिए वह दोबारा से रोता है, वह उसके छोटे से चेहरे को सिकोड़ते हुए सिकोड़ लेता है और चेहरे को सिकोड़ते हुए हर एक चीज को, पूरे वातावरण की हर एक चीज को भयभीत बना देता है। एंड आई कैन नॉट फाइंड, वो सिकोड़ लेता है और मैं कैन नॉट फाइंड, तलाश नहीं पाता द प्लेस, और मैं उस स्थान को जहां वो खरगोश जाल में फंसा हुआ है और मदद के लिए मुझे पुकार रहा है, मैं उस स्थान को, उस जगह को तलाश नहीं कर पाता हूं, उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूं। समझ गए होंगे दोस्तों? हर एक चीज को भयभीत बनाते हुए जैसे ही वह दोबारा से मदद के लिए रोता पुकारता है तो वह उसके छोटे से चेहरे को सिकोड़ लेता है, लेकिन मैं हूं कि उस जगह को तलाशी नहीं कर पा रहा हूं। देखिएगा चौथा और आखिरी स्टेंजा क्या कहता है। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस वेयर हिज पा इज इन द स्नेयर, लिटिल वन, ओ लिटिल वन, आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, लिटिल वन, ओ लिटिल वन, आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस। आखिरी लाइन तीसरे स्टेंजा की, और मैं उस स्थान को तलाश नहीं कर पाता। वो पुकार रहा है और पुकार पुकार कर उसने अपने चेहरे को सिकोड़ लिया है, और मैं हूं कि उस स्थान को तलाश नहीं कर पा रहा हूं। वह जहां हिज पा, उसका पा मींस होता है पंजा, जहां उसका पंजा इज इन द स्नेर, जहां उसका पंजा स्नेर जाल में यानी फंदे में है, और मैं उस स्थान को तलाश नहीं कर पा रहा हूं जहां उसका पंजा है। लिटिल वन, ओ लिटिल वन, ओ छोटे से खरगोश, ओ छोटे से खरगोश, अरे ओ छोटे से, आवाज लगाकर छोटे से खरगोश, ओ छोटे से खरगोश, कहां हो? और मैं हूं कि उस स्थान को तलाश नहीं कर पा रहा हूं जहां उसका पंजा फंदे में फंसा है। छोटे से खरगोश, ओ छोटे से खरगोश, ये कह कहकर आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, मैं उसे हर जगह तलाश, एवरीवेयर, हर जगह सर्च कर रहा हूं, तलाश कर रहा हूं। छोटे से खरगोश, तुम कहां हो, कहां हो? और मैं ये कहकर उसे तलाश कर रहा हूं, पुकार रहा हूं, हर जगह की तलाशी ले रहा हूं, लेकिन वो नहीं मिल रहा है, मैं उस स्थान का पता नहीं लगा पा रहा हूं। कवि यहां इस कविता की चार पदों के माध्यम से, कवि इस कविता के चार पदों के माध्यम से ये कहना चाहता है कि वो उस मुसीबत में फंसे हुए खरगोश की मदद करना तो चाहता है, लेकिन वो उसे तलाश नहीं कर पा रहा। यहां ये कविता उसके विनम्र हृदय को, दयालु हृदय के उस भाव को दर्शा रही है। कविता समाप्त होती है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर ये कविता पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। अगली कविता लेकर या कोई और ग्रामर का टॉपिक लेकर मैं आपसे जल्द मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए जय श्री राम।